जी तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है सबके रोज़े बेहतर जा रहे होंगे, सब अच्छा जा रहा होगा। बाकी खैर, जो लोग सोचते हैं कि यार हमने रमज़ान में कुछ करना है, हेल्प करना है, सवा नेकी के काम में कुछ भी हेल्प करनी है, तो जैसे कि पिछले रमज़ान में भी मैंने एक ब्लॉग डाला था कि हम हर रमज़ान में जो है ना एक सेटअप बिठाते हैं। क्या कज़न है हमारे एक बट भाई, वो सेटअप बिठाते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो हर रमज़ान में वो माशाल्लाह 50 का खाना जो है ना अपनी तरफ से रखवाते हैं। बाकी जो जो जिन जिन्होंने भी हेल्प करनी होती है वो जो है ना बीच में डाल देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं। खुदरी में जा रहा हूँ सेटअप की तरफ, आप लोगों को सेटअप भी दिखाता हूँ। एक दिन में तकरीबन बैठ के 50 से 100 बंदा खाना खाता है, हर रमज़ान में पूरी 30 सहरी करता है। ठीक है, तो आप लोग की जितनी भी तौफीक हुई, बेशक 500 रुपया 1000 रुपया जितने भी, तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं। चलते हैं, आप लोग को सेटअप दिखाता हूँ और आज का व्लॉग यहीं से शुरू कर देते हैं जी। तो वेलकम बैक टू अनदर। खैर मेरा एक दोस्त आता है, उससे तो आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। अवैस हाशिम जी मेरा बचपन का दोस्त है, ये गाँव में रहता है, आया हुआ है इधर, ओमान में रहता है बेसिकली असल में, मगर अभी फिलहाल पाकिस्तान अपने गांव आया हुआ, तो उसको हमने लाहौर बुला लिया, पर अभी उसको हम घर भी नहीं जाने दे रहे। बेचारे के साथ बहुत रोज अम्मी को कॉल करता, अम्मी कल आऊंगा कल, रोज रात को 11 बजे ये घर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद का, बहुत लव है असद के लिए, दिल में बहुत बड़ी जगह है हमारे। अच्छा अच्छा भास्कर कैमरा, अच्छा अच्छा भास्कर कैमरा आ गया, तो असद के लिए बहुत जगह है हमारे दिल में। व्लॉग स्टार्ट कर प्यारा सा मेरा आज। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ असद। तो भैया ये सारा सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, अभी 50 कुर्सियों का सेटअप, इधर 50 बंदे बैठ के माशाल्लाह से खाना खाएंगे। ठीक है, ये पराठे वगैरह बन रहे हैं और ये देख रेडी हो गई है, तो अभी बस सहरी का टाइम। और ये है बट भाई, ठीक है, जिसका आपको बताया था, तो ये हर रमज़ान में सहरी करवाते हैं। पिछली बार भी व्लॉग बनाया ही था हम लोगों ने साथ, पता नहीं जिन्होंने जो नहीं देख रहे उनके लिए ये बट भाई हैं, इन्होंने सारा इंतज़ाम हर रमज़ान में करवाते हैं। ठीक है, और जो जानते हैं उन्होंने, जिन्होंने पहले व्लॉग देखा वो जानते ही होंगे, तो बट भाई बता दें थोड़ा आप भी। सर अल्लाह की रहमत है, पिछले में तो आप लोगों ने हमारा एक ब्लॉग बनाया था जी, उसमें आपके काफ़ी दोस्तों ने मास्टर माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्पेशली जिक्र करूँगा, एक बहन थी हमारी, उसकी स्टडी थी फाइनल एग्जाम, उसने हेल्प की थी और वो कह रही थी हमारे लिए दुआ करना, हम लोगों ने दुआ की भी है, माशाल्लाह सबके अपनी बारगाह में कबूल भी करे। आमीन। और जो लोग हमारे किसी दोस्त जो पुराने पहले किसी वजह से रह गए हैं, जो उनके हालात या कुछ कोई भी वजह, अल्लाह पाक में बेहतरी लाए और हर बंदे को तौफीक दे, बढ़ चढ़ के काम। माशाल्लाह सुभानअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो ये सारा सेटअप आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी हेल्प करना चाहें, जो भी, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी अमाउंट है ना, सही बात है कि बट भाई के नहीं, ज़रूरी नहीं है, जो आपकी तौफीक है, जितनी आपकी तौफीक है, जितना अल्लाह ने आपको दिया है अब उतनी आप भर सकते हैं। ठीक है, बेशक आप, आपके हिस्से का लोग एक बंदा एक पराठा भी खा रहा था, वो भी बहुत बड़ा सदका जा रहा है, स्वाब के काम जी, बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो नीचे जैस कैश वगैरह आपको नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो आप लोग उस पर जैस कैश भी शो हो रहा होगा, और जैस कैश है और इजी पैसा, दोनों शो हो रहे होंगे, जिसका जो जरिया जितनी हेल्प करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, बाकी आप खुद निज़ाम अपना देख सकते हैं, यहाँ पे पराठे बन रहे हैं और यहाँ पे देख रेडी है, और यहाँ पे सारे बैठ के बंदे जो है ना खाना खाएंगे, अगर इंशाल्लाह तौफीक हमारी हुई तो इनसे ज़्यादा बड़ा सेटअप करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अभी रमज़ान पड़ा है पूरा, बाकी आपकी जो तौफीक है आप लोग हेल्प कर सकते। अजलान ये क्या किया तुमने मुँह के साथ अपने, ये क्या किया, ये क्या लगाया तुमने, हैं ये क्या लगाया तुमने हाथ में अपने मुंह के साथ, ये क्या किया सारा कुछ, 2 मिनट के लिए हमने तुम्हें इधर छोड़ा है, हमने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ा, इसने ये हाल किया कमरे का, और हमारे सारे नए कारपेट में ये इसने सारा न्यूटेला गिराई है, ये वाली न्यूटेला सारा कुछ, और इसके मुँह की हालत देखिए क्या चीज। तो आज भाई द मोस्ट अवेटेड मोमेंट है हमारा, जिसका मैंने बहुत ज्यादा शोर डाला हुआ था, ठीक है, और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो आज मैंने सोचा फाइनली क्यों ना उस मोमेंट को तो खत्म किया जाए। एक रूम टूर का बहुत शोर डाला हुआ था, वो तो आप लोग को दिखा दिया, और एक शोर था जरान का फेस रिवील, तो आज है हमारा फेस रिवील, ये तालियां। और हमारा जरान इतना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह गब्बू बच्चा लग रहा है, आप लोग देखे 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, तुमने इतने रेडी हो गए, तुम्हें पता था कि आज तुम्हारा फेस रिवील है, हैं तुम्हें पता था आज तुम्हारा फेस रिवील है, माशाल्लाह तुम गुंडे बने हुए ऊपर अपनी तरफ से, तुमने रुमाल बांधा हुआ है, बप्पी लहरी लग रहा है, बप्पी लहरी, मोटू लहरी लग रहा है, मोटू लहरी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका फेस रिवील हम नहीं कर पाए थे शुरू में, वो कुछ मसले थे, ठीक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, और अजलान माशाल्लाह, अजलान मुंह पे चढ़ा हुआ है, जहरान माशाल्लाह इतना सेहतमंद हो गया, माशाल्लाह जरूर बोलना सब, है ना, बप्पी लहरी हो गया हमारा गब्बू बच्चा,
तुम्हारा गब्बू अच्छा, इसको उठाता हूँ मैं। सबको हाय बोलो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बोलो। शूज उतर के, शूज की तरह गब्बू का हमारे शूज उतर के, हमारे गब्बू के शर्ट के बटन भी नहीं बंद होते माशाल्लाह से। रुमाल बांध के गुंडा बना मैं अपनी तरफ से फुल टाइम। क्या पता नहीं क्या लग रहा अपने आपको, पता नहीं क्या समझता है ये, क्या समझता है। इधर बैठो, सब सबसे मिले, सबसे मिले, इधर बैठो, ऐसे बैठो, सबको हाय बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह देख रहे हैं, ये है जहरान, ये माशाल्लाह 5 महीने का हो गया। और जहरान बोला मैंने, मैंने अजलान बोला, जहरान हो, जहरान नाम है इसका, जहरान, ठीक है। माशाल्लाह से 5 महीने का हो गया और देखिए कैसे देख रहे हैं, गुंडा बना हुआ, गुंडा अपना गुंडा समझते हो तुम, गुंडा बप्पी ले रही मोतू, गब्बू बच्चे गब्बू मेरा माशाल्लाह। अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी। अजलान सो के दिखाओ, सो के दिखाओ, अजलान सो के दिखाओ, अजलान सो के दिखाओ, सो के सो के सो के दिखाओ, सो के दिखाओ, सो के गप्पू सो के दिखा दे उस अजलान, हे अजलान, दादा अबू, दादा अबू सो रहे, 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 दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, सो के दिखाओ। अजलान तो नहीं सोया, अजलान उधर सो नहीं, उधर अजलान सो के दिखाओ, सो के अजलान सो के दिखाओ, अजलान सो के दिखाओ, सो के एक बार सो के दिखा दे प्लीज यार, चलो शौका हो गया। अजलान सो के दिखाओ, सो के दिखाओ, सो के, सो के दिखाओ, दादाबू 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 की, सो के दिखाओ, दिखा दे सो के। अजलान तो नहीं सोया हुआ, अजलान तो नहीं सोया हुआ, अजलान तो नहीं सोया हुआ, अजलान नहीं, अजलान नहीं सोया हुआ, अजलान नहीं सोया हुआ, माशाल्लाह नहीं लगता, नहीं लगता। मज़े मज़े की बन रही है इफ्तारी, इफ्तारी में ये मारिया, ये मारिया ने तो नहीं बनाया पिज़्ज़ा ब्रेड, मारी ने तो नहीं बनाई, मुझे पता था जो अलग उठपटांग चीज़ होगी वो मारिया के कारनामे होंगे। ये बन रही है पिज़्ज़ा ब्रेड, और भी बहुत कुछ बन रहा है यहाँ पे। आंटी पकोड़े तल रही हैं, फ्रूट चल, सेमिया, स्ट्रॉबेरी शेक, स्ट्रॉबेरी शेक का चीज़ को ख्याल आया, गुड गुड। अब हमारे इफ्तारी का टाइम हो रहा है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ सेट है। यहाँ पे ये अंडे हैं क्या, चने हैं, ये शायद चने हैं, पता नहीं, ओ नहीं ये वो है गोलगप्पे, गोलगप्पे इफ्तारी में कौन खाता है यार, अजलान गोलगप्पे कौन खाता है इफ्तारी में यार, इनको बताओ यार अजलान, ये लोग क्या कर रहे हैं यार, कौन खाता है, वो खाता है, वो खाता है गोलगप्पे, ये गोलगप्पे कौन खाता है इफ्तारी में यार, अजलान बताओ ना कौन खाता है यार, क्यों खाते हैं गोलगप्पे इफ्तारी में, गोलगप्पे क्यों खाते हैं। कुत्तू पालू बच्चे, कुत्तू पालू तुम्हारे दोस्त की तरह, तुम्हारे दोस्त की तरह, उधर जाओ खेलो, उधर मोबाइल उधर लेके जाओ, मैंने खेलना है। चलें जी, अगर आप लोगों को जी ब्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आज ही तो कर देना।